आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेरी बेसिक पिंक आई मेकअप लुक। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप इस लुक को कैसे अचीव कर सकते हैं देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ। किसी भी आई लुक को अच्छा दिखाने के लिए आपको अपनी आईब्रोज को फिल इन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा उभर के दिखता है आई लुक। सो नॉर्मली जैसे मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन करती हूँ वैसे कर रही हूँ। सो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है कि आप अपने आईब्रोज को कैसे फिल इन कर सकते हैं, कैसे ग्रूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपडेटेड वर्जन देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करिए, मैं ज़रूर से अपडेटेड वर्जन आपके लिए पोस्ट करूँगी। अब मैंने अपने आईब्रोज को अच्छे से कोम कर लिया है ताकि जो भी प्रोडक्ट हम अपने आईब्रोज में लगाते हैं वो अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ऐसा ना लगे कि कहीं पे बहुत ज्यादा ब्लैक लग रही है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है और कंसीलर से मैं अपने आईब्रोज को क्लीन कर रही हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप बिगनर्स है तो भी इस स्टेप को बिल्कुल मत भूलिएगा, प्रैक्टिस करिए इससे कैसे परफेक्टली करना है। सो जितना अच्छे से आप इस स्टेप को करेंगे उतना अच्छा आपका आई लुक उभर के आएगा। यू नो आई लुक में अगर थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ भी हो जाती है तो वो इतना ज़्यादा दिखता नहीं, अगर आपने अपनी आईब्रोज को बहुत ही अच्छे से ग्रूम करके रखा है तो। और उसके बाद सेम कंसीलर मैं अपनी आईज पे लगा रही हूँ, अंडर आईज पे लगा रही हूँ और एक स्पंज की हेल्प से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पे जो मेरा आई कैनवास है वो रेडी है फॉर आई मेकअप। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ किया है उस कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए, अदरवाइज यहाँ पे जो कंसीलर हम लगाते हैं वो क्रीज करना स्टार्ट कर देता है। सो कॉम्पैक्ट से मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट यूज़ की है और उसमें से मैंने पिंक शेड पिक किया है एक ब्लेंडिंग ब्रश में और इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज में। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एक साथ मैंने बहुत ज़्यादा आई शेडो नहीं उठा लिया है ब्रश में, थोड़ा थोड़ा करके आई शेडो पिक करना है और उसको धीरे धीरे ब्लेंड करते जाना है। ऐसा नहीं कि एक साथ उठा लिया और एक ही जगह पर, यानी अपने टिप पर आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया और फिर उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ कुछ आई शेडोज ऐसे होते हैं जो बहुत ईजिली ब्लेंड नहीं होते हैं, तो अगर आपके पास ऐसी कोई आई शेडो पैलेट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आई शेडो जो है वो थोड़ा थोड़ा लेके और थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना पड़ेगा, तो वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा और बहुत इवन लुक लगेगा। और अगर आप दोनों आईज पे साथ में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए अपनी एक आई पे कर रही हूँ, लेकिन अगर आप दोनों आईज पे साथ में करते रहेंगे तो आपका आई लुक जो है वो एक जैसा लगेगा, यानी दोनों आईज में डिफरेंस आपका ज्यादा नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से डार्क मरून टाइप शेड पिक किया है एंड इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे। सो पहले जितना भी ब्रश के अंदर आई शेडो मैंने पिक किया है उसे मैं पहले आउटर कॉर्नर पर ही प्लेस कर रही हूँ और उसके बाद जब मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा डिजायर्ड कलर मेरे आउटर कॉर्नर पे आ गए तो फिर मैं ब्रश को धीरे धीरे इनर कॉर्नर पे लेके जा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये ग्लिटरी पिंक शेड यूज किया है। अब क्योंकि मैंने अपने कॉर्नर्स जो हैं वो डार्क रखे हैं तो मुझे इनर कॉर्नर्स के लिए कोई लाइट कलर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी डार्क पिंक कलर का ग्लिटर लगा लूंगी तो मेरा आई शेडो बिल्कुल एक जैसा लगेगा और उसमें कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इनर कॉर्नर्स थोड़े से अलग दिखे तो उसके लिए आपको हमेशा जो कलर का चूज करना है आई शेडो वो थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बाहर की तरफ पे डार्क रखा है तो मैं इनर कॉर्नर्स की तरफ पे उसको हल्का सा लाइट रख रही हूँ। सो बस इस ग्लिटर को लगाने के बाद अगेन मैं ब्रश की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये कलर सिर्फ यहीं पे लगा हुआ है। और सेम डार्क कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ब्रश के साथ पूरा आई मेकअप किया है। अगर आप चाहें तो आपके पास ब्रशेज हो तो आप दूसरे ब्रशेज यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली आई मेकअप दिखाया है ताकि अगर किसी के पास सिर्फ एक ब्रश है तो एक ब्रश को यूज करके आप कैसे आई मेकअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। सो ये हिमालय का काजल है, आप चाहें जो काजल आपके पास हो वो आप यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगेन मैं सेम ग्लिटरी शेड पिक कर रही हूँ, जैसे मैंने अप्लाई किया अपने ब्राउ बोन्स पे। ब्राउ बोन्स पे कभी भी कलर आई शेडो का जो है वो आपको ग्लिटरी रखना है, तो जो मैंने इनर कॉर्नर्स पे लगाया वही मैंने ब्राउ बोन्स पे भी लगा दिया, बट वहाँ पे आपको जो इंटेंसिटी है उसकी वो बहुत कम रखनी, बहुत ज़्यादा यू नो एकदम उभरा हुआ नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। और यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, बहुत ही बेसिक आईलाइनर ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे। आप चाहे तो विंग्ड आईलाइनर लगा सकते हैं अगर आपको आता है लगाना, क्योंकि ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, तो अगर आपको आता है तो आप लगाइए, नहीं तो आप सिर्फ अपनी आई के एंड तक भी लगा लेंगे तो भी चलेगा। मैं मस्कारा यहाँ पे लगाना भूल गई थी, मस्कारा लगाएंगे ना आपका आई लुक बहुत अच्छा और कम्प्लीट है। सो यस गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा।